हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय गुरु जी। ये मेरा नया व्लॉग है और मैं नए व्लॉग की करता हूँ शुरुआत। नाश्ता कर रहा हूँ, प्रीति ने आज बनाए हैं लहसुन के परांठे। लहसुन लाया था मैं, लहसुन के परांठे खाए हैं गाइस, बहुत मज़ेदार। माँ बाप की याद आ जाती है, लहसुन के, मम्मी के फेवरेट थे, पापा के फेवरेट थे लहसुन के परांठे, बहुत बढ़िया हो जाते हैं, मज़ा आ जाता है। साथ में होती है अपनी चाय, चाय पी लेते हैं साथ में। तो नाश्ता करते हैं फटाफट, फिर निकलेंगे ऑफिस के लिए। गाइस, ऑफिस जाना भी बहुत जरूरी है। हे गाइस, आए हैं ऑफिस, ऑफिस में करते हैं थोड़ा काम, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से 2 घंटे बाद। थोड़ा सा काम पेंडिंग है, वो काम कर लेते हैं फटाफट। शोरे आज क्या लेके आया है, देखो चीज यहाँ पर। शोरे लाया क्ले, 5-5 रुपए की, रेड और पिंक और व्हाइट कलर लाया हूं, मिक्स कर, दोनों मिक्स कर दिए इसने। बताओ, नाश मार दिया क्ले का भी। आज ये आया मेरे साथ ऑफिस में। शोरे लगा हुआ है साइकिल में, क्या ठीक कर रहा है ला, 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 ला। शोरे क्या ठीक कर रहा है, स्टैंड? धूप सेक रहा है आराम से। ए गाइस, शौर्य और मैं निकल पड़े हैं घर के लिए ऑफिस से। शौर्य अपना खेल का सामान ले आया है साथ में, आगे आगे शौर्य और पीछे पीछे मैं अपनी राम प्यारी पर। शौर्य आगे आगे है, मेरे से आगे ही रहता है ज़्यादातर, ये मुझे इसका ध्यान भी रखना होता है ना, अभी थोड़ा छोटा है, रेस लगा रहा है स्कूटी के साथ। शौर्य लगा रहा है स्कूटी के साथ रेस, आगे देख के आगे। तो गाइस, हम दोनों आज जा रहे हैं साथ के साथ। शौर्य रेस लगा के हार चुका है मेरे से। रेस तो हार गया ना तू मेरे से, पहले बता रेस हारा के जीता? जीत गया हूं। जीता है, मैंने तो सोचा मैं जीता हूँ। तो गाइस, घर आए हैं सीधा, आज तो रिकॉर्ड टूट गया। घर आते ही खाना रेडी है, सब कुछ रेडी है। प्रीति ने कहा ये लो पानी पियो फटाफट और फिर खाओ खाना। आज इसने बनाया पत्ता गोभी और मटर, सूखी सब्जी, और साथ में प्रीति ने मंगाई है छाछ। छाछ पियेंगे बढ़िया वाली। भाई फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि घर आते ही खाना रेडी मिले मुझे। तो खाना पीना हो चुका है, मीठे के तौर पे मिला ये खजूर खाने को, आज गज्जक मिली नहीं। खजूर खा रहे हैं और साथ कर रहे हैं वॉक, 1000 कदम की वॉक बहुत जरूरी है। प्रीति तो खड़ी हो गई है, इतने नहीं करनी आज वॉक, आपा करेंगे। ए गाइस, आए हैं भाई साहब के घर। भाई साहब की तबीयत है थोड़ी डाउन, मैंने कहा पूछ ले उनसे। गनिष्का बैठी हुई है, गनिष्का याद दिलाती रहती है चाचू का व्लॉग, चाचू व्लॉग। और ये पीहू पढ़ने में बिजी है, भाभी अपना फोन में बिजी है, भाई साहब देख रहे हैं यहाँ वहाँ। तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी बुखार हो गया था, मैंने कहा चलो पूछ आते हैं तबीयत, अब वैसे ठीक है कह रहे हैं। बाकी यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर, उसके बाद निकलते हैं घर। घर गया नहीं मैं अभी, आज या शनिवार जाएंगे शनि मंदिर। कुछ तो बोल, क्या कह रही थी गनिष्का? अब बताओ, अब गणेश का भी बंद कर दिया ना ये बोल, कैमरा ऐसा होना चाहिए जो रिकॉर्डिंग करते हैं ना, जो बोल रही चाचू मैं भी चलूं, ये रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए, ये नहीं बार बार बोल बोल के कमेंट्री करता है तू। तो गाइस, मिल रही है कुछ सीख ब्लॉग बनाने के लिए, और सीख ले रहे हैं अभी भाई साहब से। पीहू मुंह ऊपर नहीं कर रही आज, हाँ अब की है, मुंह बिजी है पढ़ने में, पढ़ना बहुत जरूरी है गाइस। क्या करिए बोल दे, क्या करिए बता, गीशु कह रही है मंदिर चलूंगी, मैंने कहा ले चलते हैं मंदिर, चलेगी ना? गीशु को ले जाते हैं शनि मंदिर और निकलते हैं यहाँ से फटाफट, जाना है मंदिर क्योंकि रात हो गई है बहुत ज्यादा। कुछ नहीं है। बताओ, वैसे बोलती है कैमरे के आगे, बोलती नहीं। तो फ्रेंड्स निकल रहे हैं यहाँ से, गनिष्का चल रही है साथ, पीहू चलेगी? पीहू तो चल नहीं रही, गनिष्का को ले जाते हैं मंदिर, आते हैं फटाफट मंदिर से, आएंगे तो इसको छोड़ देंगे वापस। निकल रहे हैं अब यहाँ से फटाफट, निकलते हैं।
तो निकल लिए गणिष्का और मैं, गणिष्का आगे आगे घर घर जाते हैं फटाफट गाड़ी खड़ी करके और सॉरी स्कूटी खड़ी करके और गाड़ी ले लेते हैं, क्योंकि स्कूटी पे तो आ नहीं पाएंगे हम सब, इसीलिए गाड़ी ले लेंगे फिर। दोनों के दोनों गणिष्का और मैं निकल लिए भाई साहब के घर से स्कूटी पे और पहुंचते हैं घर, गाड़ी उठा के निकलते हैं फटाफट मंदिर के लिए। रात काफ़ी होगी है, 9 ही बजे वैसे, 8:30 होगी होगी, 8:30 बज चुकी है। फटाफट निकलते हैं, मंदिर जाना ज़रूरी होता है गाइस, शनिवार है, शनि देवता का वार है, इसीलिए जाएंगे फटाफट और आएंगे जल्दी। पहुंच गए घर फटाफट, गणिष्का खोल रही है गेट, स्कूटी अंदर खड़ी कर देते हैं और फिर गाड़ी लेके निकलते हैं मंदिर के लिए। चलो बुला लेते हैं फटाफट ऊपर से उनको और फिर निकलेंगे। चलें क्या, रेडी हो? गणिष्का भी आ गया चलने के लिए। बेटे आपको फोन चलाने के लिए मना किया था, आप फिर भी चल, आजा जल्दी आजा, मंदिर चलते हैं। दोनों मिले हैं काफी देर बाद, इसीलिए आपस में आते ही खेलना कूदना शुरू। देख तू भी दिया कर उसको, वो दे देती है ना चीज, ठीक है ना गणिष्का, चलें। चलो तो फ्रेंड्स देख लो, ये होती है सेवा, घर आते ही मिले अंगूर और प्रीति है रेडी चलने को मंदिर। चले चलते हैं मंदिर फटाफट निकलते हैं, अंगूर खा लेंगे थोड़े से गाड़ी में, प्रीति ने दिए हैं। बात मत करो, तुम्हें पता है ना जो चीज मुझे पसंद है मतलब उसी से ही तुम्हारी व्लॉगिंग हो सकती है। और नहीं, एक डॉग घर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप बताओ क्या हो जाएगा? डॉग ही है, मैं नहीं लाने दूंगी, या डॉग रहेगा घर में या मैं रहूंगी। मैंने तो कई बार कह दिया हम डॉग को रखेंगे जरूर। हाँ तो मैं चली जाती हूँ ना, मैं नहीं लाने दूंगी, इट्स फाइनल। आप चाहे अपनी बेकरी में ले जाके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं यार, डॉग एक डॉग तो लेके आना ही पड़ेगा ना अपने को। तो फ्रेंड्स वो कमेंट में बताना कि हमें डॉग लेना चाहिए या नहीं। बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा तो फिर बताओ किट कैट लेना चाहिए या नहीं, कमेंट में बताना। कैट अच्छा। नहीं कुछ नहीं आएगा घर, क्यों नहीं आएगा? नहीं देर को पालू ना, पप्पी है। पप्पी नहीं लाए, मैं डॉग नहीं लाने दूंगी घर में, कोई वो नहीं आएगा। सॉरी। तुम क्या कर रहे हो गाड़ी में? हम खेल रहे हैं। बताओ गाड़ी में खेल रहे हैं राजगुरु मार्केट में? कोई नहीं तुम खेलो, हम इतने में प्रीति इतने में चाची को गोलगप्पे खिला दूं। हैं आ जाओ, प्रीति खा रही है गोलगप्पे, प्रीति के फेवरेट हैं, इसीलिए प्रीति को मैंने कहा खिला देते हैं फटाफट। तो गाइस राजगुरु मार्केट आ गए, मंदिर जाने से पहले प्रीति खा रही है गोलगप्पे और एक मुझे भी खिलाएगी। मंदिर जा रहे हैं, रास्ते में थोड़ा पैदल जाना पड़ता है। मंदिर से आ गए हैं फटाफट निकल के हम, ये रास्ते में भी उलझ रहे हैं एक दूसरे से, फटाफट पहुंचते हैं गाड़ी तक और जाते हैं घर। मंदिर से निकल के आ चुके हैं गाड़ी में और जाएंगे अब घर फटाफट। अगर शौर्य कुछ खाएगा तो उसको खिला देंगे, गणिष्का और शौर्य
उससे पहले कुछ लेंगे खाने के लिए, उस पर चीज दिलाएंगे हम घर। यार तेरे को चीज की लगी रहती है शोरे, क्या बात है? पता है नो कुछ भी खा ले फिर चीज फिर भी चाहिए इसको। नहीं मैंने खाने की चीज। फ्रेंड्स अपना सूप, शोरे का फेवरेट सूप है ये। शोरे जब भी मार्केट में आता है यहाँ का सूप जरूर पीता है। शोरे की मम्मी का भी फेवरेट है और आज तो हमारे साथ गनिष्का भी है, गनिष्का भी पिएगी, सारे पी लेंगे थोड़ा थोड़ा, फटाफट पीते हैं सूप। सूप पी के निकले हैं फटाफट और पहुंच रहे हैं घर। बाय गनिष्का। गनिष्का हाय करते आती जल्दी आ। बाय बाय। आए हैं घर, मंदिर से आए हैं घर और ऊपर जाते हैं कमरे में। जादू भी दिखाते हैं। क्या जादू है? शोरे ने सीखा कोई जादू। शोरे कह रहे पापा वो जादू दिखाता हूँ। शोरे दिखाएगा कोई जादू आज। दरवाजा खोलो फटाफट। घर आ गए हैं और बैठे हैं रजाई में प्रीति के साथ। तो प्रीति तो ऑलवेज शोरे ले रहे विटामिन सी। शोरे को कहा नींबू क्यों चाट रहा है तो कह रहे हैं मम्मा ने कहा था विटामिन सी होता है। तो गाइस शोरे ले रहे विटामिन सी आप लोगों के सामने, वो देखो इसके काम ऐसे ही हैं, सारे के सारे उल्टे पुल्टे काम है। नींबू तो जी ऐसे ही खाता है ये। नींबू इसको अच्छा लगता है, नमक भी बहुत खाता है, नींबू और नमक इसका फेवरेट है। नमक तो दादू। तो शोरे है वो कल वहां पे चलोगे वो क्या कहते हैं मैकडी? हां शोरे कह रहा है कल चलेंगे मैकडी और मैं कर रहा हूं एडिटिंग। शोरे अपनी एडिटिंग करने में लगा हुआ है, पता नहीं किस चीज की एडिटिंग कर रहा है बट कर रहा है, पता नहीं अपना कुछ बना के उसकी एडिटिंग करने में लगा हुआ है। कहाँ गया? क्या हुआ? तो फ्रेंड्स हम कल जाएंगे मैकडी, वहां मैं खाऊंगा बर्गर कोल्ड ड्रिंक मील खाऊंगा सब कुछ ही। ओ, बस मील में हो जाएगा तेरा पूरा? हाँ मील खाएगा, आधा छोड़ेगा आधा खाएगा। मैं खाऊंगा आपका पूरा खा लेगा मील। हाँ, पूरा खा। देखते हैं कल जाएंगे तब पता लगेगा। चैलेंज है इसका। ठीक है तो ये चैलेंज हो गया। अगर पूरा खा लिया ना तो फिर दोनों में विश जो भी आपकी विश होगी ना दो आपको वो मिल जाएंगी। ठीक है ठीक है डन हो गया फाइनल हो चुका है। तो देखते हैं अब इसका देखते हैं फाइनल करेंगे हम। पक्का ये पक्का हो गया हमारा करना। टाइम हो गया है 9:45। फटाफट करता हूँ एडिटिंग फटाफट करना। सॉरी गाइस मुंह से निकल जाता है, आदत पड़ गई है फटाफट बोलने की। कोशिश करूंगा कि अब ना बोलूं। तो एडिटिंग करता हूँ, व्लॉग डालूंगा सुबह अपने टाइम पर। तो गाइस हर बार की बात करें वही कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो गाइस। ना भूले शेयर करना ना भूले गाइस। देखो आज तो प्रीति ने भी कह दिया प्लीज 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 जितना हो सके आगे शेयर करें प्लीज गाइस। और सब्सक्राइब सबको कहें सब्सक्राइब करें, तभी मैं कुछ नया कर पाऊंगा और नई वीडियो बना पाऊंगा। गुड बाय।